साथियों, अगर आपने झारखंड पुलिस भर्ती में आवेदन किया था और आपने रनिंग भी की थी और आपने रनिंग शायद पास भी की हो, लेकिन कुछ बच्चों की डेथ होने की वजह से ये जो रनिंग है ये रोक दी गई थी, तो झारखंड पुलिस में जो टोटल आपके पद थे वो 4919 पदों आपकी वैकेंसी आई थी। और इसके बाद से तो इसके ऑनलाइन आवेदन लिए थे, बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किया था और रनिंग वगैरह हुई। रनिंग होने के बाद से तो यहाँ पे जब 10 किलोमीटर बच्चे धूप में सतो गर्मी में दौड़ना चालू किए तो लगभग 12 बच्चों की डेथ हो गई थी, मतलब कि मौत हो गई थी, तो आपकी जो रनिंग है वो रोक दी गई थी। तो क्या सतो आपकी जो रनिंग तिथि वो जारी कर दी गई है और अब की बार तो क्या आपकी दौड़ नहीं होगी, तो क्या है पूरा मामला, क्या है सतो वायरल नोटिस का सच, तो इस वीडियो में आप लोग जानोगे। तो वीडियो को पूरी लाइक कर देना और चैनल पर अगर आप लोग नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको झारखंड पुलिस भर्ती जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, ऑफिशियल नोटिस तो सतो अभी कोई आया नहीं, ठीक है, ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, लेकिन जहां तक सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि आपकी जो रनिंग है सतो वो अक्टूबर में ही सतो आपकी रनिंग चालू होने की संभावना है, क्योंकि अक्टूबर नवम्बर और उसके बाद सतो एक महीना आपका बचेगा, शायद नवंबर उसके बाद दिसंबर, नहीं नवंबर से सा तो आपके राज्य में झारखंड में जो है वो आचार संहिता लग जाए, क्योंकि इसमें जनवरी वगैरह में शायद चुनाव है इसमें, और नवंबर से आचार संहिता लग जाएगी। अब यही उम्मीद है कि लगभग 15 अक्टूबर से आपकी जो रनिंग है वो चालू होने की प्रबल सतो संभावना है। और अब की बार अगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि रनिंग नहीं होगी, तो रनिंग देखिए होगी, बिना रनिंग के सतो इतने लाख फॉर्म पड़े हुए हैं, कुछ होने वाला नहीं है। रनिंग में होंगे तो रनिंग में जब छटेंगे बच्चे तब बच्चे कम होंगे, ठीक है। तो अब रनिंग 10 किलोमीटर होगी, 5 किलोमीटर होगी, 1600 मीटर होगी, तो ये सतो अभी कन्फर्म नहीं है। तो जहाँ तक उम्मीद है कोशिश में लगे हुए हैं, तो जो मामला है वो मतलब कि प्रस्ताव 5 किलोमीटर का पास हो जाए, जो कि आधे घंटे में, ठीक है। अगर 5 किलोमीटर का प्रस्ताव पास हो जाएगा ठीक है, आप लोग 5 किलोमीटर रनिंग करना। और इसके बाद से तो मौसम भी नॉर्मल हो गया, इस समय गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ रही है, तो अब की बार कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी थी और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर अगर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको SSGED और UP पुलिस और झारखंड पुलिस से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुँचती रहे।